नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं सुरेश मानचंदा। आज उन कमोडिटीज की बात जो तेजी की तरफ अपना रुख अख्तियार करेंगी और साथ ही साथ उन कमोडिटीज की भी बात जिनमें गिरावट की बड़ी संभावना है। सबसे पहले बात ग्वार की। ग्वार की कीमतों में स्थिरता के साथ दबाव देखने को मिल रहा है। जून कटान के दिन जून का वायदा भारी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दिया और उसके बाद से ही ग्वार की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अगस्त और सितंबर में मॉनसून बेहतर रहने की खबरें हैं और साथ ही इस साल ला नीना का असर मॉनसून पर दिखाई देगा जो कि पॉजिटिव होगा, जिससे ग्वार की कीमतों पर दबाव तय माना जा रहा है। ग्वार की कीमतें 5000 रुपए के स्तर को तोड़ सकती हैं। ग्वार में हमने मार्केट टाइम्स टीवी ने एक रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश की थी, जारी की थी, जिसमें ग्वार में करीब करीब 300 से 400 रुपए की करेक्शन एक्सपेक्टेड बताई थी। 5600 रुपए के आसपास का बाजार 5200 रुपए के घरों में कारोबार करते हुए दिखाई दिया। अभी मार्केट टाइम्स टीवी को लगता है कि यहां से बाजार और नीचे आ सकता है, फिसल सकता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अगर हम बात करें, डिमांड लगभग पिछले साल के मुकाबले बराबर सी ही है, बहुत ज्यादा उसके अंदर में बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब बात थाईलैंड के चावल की। थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री फमथाम वेचायाचाई ने मीडिया के सामने 10 साल पुराने चावल खाकर दिखाए। दरअसल थाईलैंड अपने 10 साल पुराने चावल के 15000 टन के स्टॉक को रिलीज कर रहा था, तो 10 साल पुराने चावल मनुष्य के खाने पर लोगों ने आशंका जताई। ऐसे में फमथाम वेचायाचाई का मकसद ये साबित करना था कि 10 साल पुराना चावल खाया जा सकता है। थाई प्रशासन को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नीलाम किए जाने वाला चावल का भंडार 10 साल पुराना है। देश में लहसुन की कीमतों में तेजी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में मध्य प्रदेश और राजस्थान की अच्छी क्वालिटी का लहसुन 20000 रुपए से 22000 रुपए प्रति क्विंटल पर बोला जा रहा है। बीते 5 दिनों में 4000 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है और आने वाले दिनों में तेजी बरकरार रह सकती है। इस साल विदेशों से अच्छी मांग की आशंका जताई जा रही है। देश में प्याज की कीमतों में अचानक उछाल आ गया है। दिल्ली एनसीआर में रिटेल में प्याज की कीमतें 50 रुपए किलो को पार कर गई हैं। वहीं थोक बाजार में प्याज 42 रुपए को पार कर गया है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार 25 जून को राज्य की 44 मंडियों में प्याज की नीलामी हुई। इसमें से 34 में दाम 3000 रुपए से 4200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा। किसी भी मंडी में दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं रहा। दरअसल प्याज की आवक बहुत कम हो गई है, जिसके चलते भाव में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने 4 मई को निर्यात बंदी खत्म कर दी थी, जिसे 7 दिसंबर 2023 से लगाया गया था। इसके बाद प्याज निर्यात होने लगा और घरेलू बाजारों में आवक कम होती गई। आवक कम होने के चलते दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पहले से ही महाराष्ट्र में इस साल कम उत्पादन का अनुमान भी लगाया गया है, इसलिए भी कीमतों में उछाल का एक कारण बना है। बफर स्टॉक बढ़ने पर चावल निर्यात में छूट की उम्मीद। एक्सपोर्ट ड्यूटी पर राहत देने पर विचार कर रही है सरकार। जी हां, केंद्र सरकार गैर बासमती और टूटे हुए चावल के निर्यात पर सकारात्मक फैसला ले सकती है। चावल निर्यातक संघ ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार चावल निर्यात के एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी राहत दे सकती है। निर्यात पर रोक की वजह से देश को गैर बासमती चावल निर्यात में 23-24 के दौरान काफी नुकसान देखने को मिला है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार निर्यात मात्रा बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति बरकरार रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्र केवल चुनिंदा देशों को उनकी मांग पर ही, यानी कि जो मित्र देश हैं, केवल उनकी आग्रह के ऊपर ही निर्यात की अनुमति दे रहा है। बीते 4 महीने के दौरान मलावी, जिम्बाब्वे, कैमरून समेत आधा दर्जन से ज्यादा देशों को निश्चित मात्रा में गैर बासमती चावल की निर्यात की मंजूरी दी गई है। डीजीएफटी के आंकड़े बताते हैं कि एनसीईएल के माध्यम से केंद्र ने बीते 4 महीने में केवल 17000 टन चावल निर्यात करने की मंजूरी दी थी।
भारतीय चावल निर्यातक संघ ने केंद्र से गैर बासमती और टूटे चावल के निर्यात पर लगी रोक हटाने की भी मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार चावल निर्यातकों ने सफेद चावल और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की। उबले चावल की एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करने की भी मांग की गई है। कहा गया कि निर्यात किए जाने वाले उबले चावल की मात्रा पर मौजूदा 20% शुल्क के बजाय एक निश्चित राशि का शुल्क लगाने की अपील है, ताकि कम मूल्य निर्धारण से बचा जा सके। चावल निर्यातकों के संघ के लोगों ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक भी की है। अब बात मानसून की। मानसून अपने रुबाब पर है और मानसून का अलर्ट जारी हो चुका है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में हुई बारिश ने तापमान कम कर दिया है और लू से राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। पूर्वी यूपी में मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है। कल से पश्चिमी यूपी तक मानसून पहुंच जाएगा। अच्छे मानसून के सहारे गन्ना एवं चीनी का उत्पादन बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। भारत में 2024-25 सीजन के दौरान गन्ना और चीनी के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार ने संकेत दिया है कि कम से कम चालू सीजन के दौरान चीनी के निर्यात की अनुमति का कोई फिलहाल प्लान नहीं है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। सरकार पहले देश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश का प्रदर्शन देखना चाहती है और यदि सब कुछ सामान्य रहा तो अगले मार्केटिंग सीजन में चीनी के निर्यात की स्वीकृति देने पर विचार किया जा सकता है। नया मार्केटिंग सीजन अक्टूबर 2024 से आरंभ होकर सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार गन्ना के बेहतर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन यह मुख्यतः मानसून की वर्षा पर निर्भर करेगा। चीनी निर्यात की अनुमति के मुद्दे पर खाद्य मंत्री का कहना था कि पहले यह देखना आवश्यक होगा कि मानसून सीजन में वर्षा की स्थिति कैसी रहती है और फिर चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया जाएगा। यूएस ब्राजील से शिपमेंट के आगमन में देरी के बीच कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका और ब्राजील जैसे प्रमुख उत्पादकों से शिपमेंट में देरी के चलते पड़ोसी देशों में मिलों से भारतीय कपास की मांग बढ़ रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में खरीफ 2024 सीजन के लिए चल रही बुआई के बावजूद कपास के बीजों की कीमतों में तेजी है। कीमतों को काफी अच्छा सपोर्ट यहां पर मिला है और ऐसा माना जा रहा है कि कपास की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। वहीं गेहूं पर सरकार ने अपना शिकंजा कस दिया है। गेहूं के दाम ना बढ़े इसके लिए जमाखोरी न हो और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। दरअसल सरकार चाहती है कि गेहूं की कीमतें स्थिर रहें। आपको बता दें कि थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन होगी, जबकि प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए यह उनकी प्रसंस्करण क्षमता का 70% होगा। वहीं बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए यह प्रति दुकान 10 टन और कुल सीमा 3,000 टन होगी। वहीं एकल खुदरा विक्रेताओं के लिए यह 10 टन होगा। फिलहाल मार्केट टाइम्स टीवी में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। मुनाफे की खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।